Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So, सबसे पहले guys, thank you so much for all the love and support जो कि आप चैनल पे दे रहे हैं, खास करके ट्रांसप्लांट वाली वीडियोस पे दे रहे हैं. एंड आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर सांगवान है. आज मैं फिर से हूँ हेयर फ्री हेयर ग्रोथ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जो आ रहे थे ना भाई, उसका जवाब अगर मैं देता हूँ तो लोग उस चीज को मानते नहीं है. तो मैंने सोचा सर से दिलवाते हैं, क्योंकि इस चीज के अंदर स्पेशलिस्ट हैं. और अगर सर डॉक्टर अगर आपको उस चीज का जवाब दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा बेटर पड़ता है. So, sir, थोड़ा सा इंट्रो दे दो, ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नई वीडियो देख रहे हैं, वो आपके बारे में थोड़ा जान सके. डॉक्टर सतपाल सांगवान एट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो गुरुग्राम ब्रांच. तो आज विवेक हमारे पास आए, देखते हैं इनके क्या क्वेश्चंस हैं. So, सबसे मेन क्वेश्चन सर जो बहुत ज्यादा आता है, सब एक तो कॉस्टिंग पूछते हैं मुझसे, क्यों की कॉस्टिंग कितनी लगी कितनी नहीं लगी. तो जब मैं उनको बताता हूँ कि मेरे इतने लगे, तो वो कहते हैं भैया हमने हेयर फ्री हेयर ग्रो में अलग अलग सेगमेंट्स देखे हैं, जैसे आई एफ यू होता है, बिग एफ यू होता है, तो कोई 20 रुपए वाला है, कोई 30 रुपए वाला है, तो कोई 40 रुपए वाला है. तो ऐसा डिफरेंस क्यों है भाई, आज हम पता करके रहेंगे. देखो, हमारे जो भी ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स है ना, उनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि एक बायो एफ यू है, हमारी जो नॉर्मल एफ यू है, जिसमें हम नॉर्मल जो पंच हम यूज़ करते हैं, जो हम ब्लेड यूज़ करते हैं, जिससे हम वो बनाते हैं, कई बार हम फोरसेप्स उससे भी बनाते हैं, नीडल से भी बनाते हैं, तो वो डिफरेंस है. जैसे कि बायो एफ यू हम जो स्लिट्स बनाते हैं, हम नीडल से बनाते हैं, और हम जो ग्राफ्ट को इम्प्लांट करते हैं, हम फोरसेप्स से करते हैं. ओके. इसके अलावा उसमें जो ग्राफ्ट स्टोर करते हैं, नॉर्मल सेलाइन में स्टोर करते हैं, कुछ भी हम ऐड नहीं करते. अच्छा, स्लाइन वाटर में. कोल्ड सेलाइन वाटर में. तो उससे क्या है कि जो सेकंड सेगमेंट है अब आई एफ यू, एक तो इसमें इम्प्लांटेशन में चेंजेस आ जाते हैं. तो उसमें मैं बता रहा था कि इसमें इम्प्लांटेशन में हम फोरसेप से करते हैं, आई एफ यू में हम इम्प्लांटेशन में हम एक सावा नीडल्स करके हम यूज़ करते हैं. okay. उससे एक बेनिफिट क्या रहता है, जो ग्राफ्ट होते हैं फोरसेप से यूज़ करने में, कई बार उनकी जैसे कि डबल और ट्रिपल वाले जो ग्राफ्ट्स हैं, उनकी एक ग्राफ्ट की रूट हल्के से भी बेंड हो सकती है, उससे थोड़ा सा रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है. सावा नीडल से वो इजी हो जाता है. ओके. पर सावा नीडल का भी एक नुकसान है, वो आगे से शार्प है. तो हम जो अपनी बिग एफ यू वाली टेक्निक है, उसमें कीप इम्प्लांटर यूज करते हैं, वो आगे से इतना शार्प भी नहीं है, तो और बिल्कुल जैसे कि पाइप में हम डाल देते हैं उस तरह से डालते हैं. अच्छा. तो उसका और बेनिफिट हो जाता है. पर क्योंकि तो मतलब ये हो गया कि एक तरीके की पाइप की तरह हम उसमें ऐसे डाल रहे हैं, और वो नीचे जाके सीधा उसमें उस पर अप्रयोग कर देते हैं. हमने पहले से बना रखे है, कोई और फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसमें बिल्कुल चांसेस उसके डिस्ट्रॉय होने के या ग्रो ना कर पाने के नहीं. बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो मेरे को अभी तक इतना समझ आया, सर से एक बार कंफर्मेशन ले लेंगे, कि देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सर्वाइवल रेट की अगर हम बात करें, तो उतना ज्यादा बेटर होता जाता है. जो कीपर है जो हम वो लगाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि बहुत ध्यान से एक तो करना. देखो सीधी सीधी बात है, कहीं पे भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ध्यान से वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा किस तरीके से करते हैं भाई, हैट्स ऑफ है उन लोगों को जो सर कर रहे होते हैं, आपकी भी, और जो लोग बाद में ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं. दूसरी चीज की सर वो कह रहे हैं, इम्प्लांटर जब हम यूज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ग्राफ को डैमेज होने के चांसेस होते हैं, प्लस साथ में जो हम स्लाइन वाटर में यूज करें, तो हमारा बिग एफ यू और उसके अंदर हमारे थोड़े वो लिक्विड भी चेंज हो जाते हैं. जैसे ब्लेड भी हम यूज करते हैं, उसमें हम नीडल यूज करते हैं. ओके, तीनों चीजों में डिफरेंस आता है. तीनों चीजों में. फिर हम आई एफ यू में आ जाते हैं, उसमें स्टील ब्लेड हम यूज करते हैं, और तीसरा बिग एफ यू में हम सेफायर ब्लेड यूज करते हैं. सेफायर ब्लेड, वो कई बार एक सर्जरी में दो ब्लेड भी यूज करने पड़ते हैं, और वो कॉस्टली है. ओके. हमें तुर्की से इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. ओके. फिर उनमें पंच भी थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, तो सब में थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, लेकिन उसकी वजह से रिजल्ट में एक अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है, इसलिए उसकी कॉस्ट पड़ती है. सर हमारा जो मेन दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाइवल रेट जो है वो हमारा कितना कितना परसेंट रहता है. वैसे आप लोग रोज कर रहे हो, तो आपको ज्यादा पता होगा उस चीज के बारे में. एक तो जो नॉर्मल हमारा बायो एफ यू है ना, पहली बात तो मैं रिजल्ट में भी डिफरेंस बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट है. बायो एफ यू और बिग एफ यू में लेके 5-10% का डिफरेंस आ जाता है. अच्छा सर, 5-10% का डिफरेंस. इतना डिफरेंस आता है. okay. हालांकि जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी कॉस्ट की वजह से वो कॉस्ट का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है. प्लस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन. हाँ, नियरली डबल हो जाती है. फिर जैसे कि किसी को भी ये चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना है, तो हमें करना है, और दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है. कीप इम्प्लांटर जिसका पेटेंटेड है, हमें तुर्की से ही मंगवाना पड़ेगा, हम अपना बना के नहीं यूज कर सकते. ओके. तो हम जो क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट यूज कर ले, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है. डॉक्टर भी सेम होता है, क्लिनिक भी सेम होता है, टेक्नीशियन भी सेम होते हैं, वो कोई डिफरेंस नहीं होता. तो ये एक बड़ा रीजन है कॉस्ट का डिफरेंस होने का. फिर जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, उसमें हम पीआरपी मिक्स कर देते हैं, जो आईएफयू वाला हमारी टेक्निक है, उसमें हम एटीपी थर्मोसोलिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, उससे सर्वाइवल रेट और बढ़ जाता है. ओके. सर्वाइवल रेट में क्या है कि वही जितना ही डिफरेंस, कि एक में 85% सर्वाइवल है, तो एक में 90-95% तक या 98% तक भी हम पहुंच सकते हैं. ओके. सो मेजर डिफरेंस भाई सिर्फ 10-15% का है, बट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है. प्लस जैसे सर ने बोला कि हमारा जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं,
बेसिकली उनकी कॉस्टिंग डबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा 20 से 40 की कॉस्टिंग है वो जाता है। बाकी करना सर नहीं है, या इनके भाई ने करना है, या एक और डॉक्टर है जो उन्होंने करना है। तो यहां करना, पे हम तीन डॉक्टर हैं, गुजरात में तीन डॉक्टर तो करना इन्होंने ही है। ऐसा नहीं है कि ये कि स्लिटिंग कोई और कर देगा, ये नहीं है। स्लिटिंग वगैरह अच्छा सर एक क्वेश्चन इसके बाद और आ जाता है सर। सबसे ज्यादा लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि भैया पूरी सर्जरी में डॉक्टर क्यों नहीं बैठता। देखो दो चीजें हैं कि पहले आज से सब हम 5-7 साल पहले जब हम करते थे पूरी सर्जरी एक डॉक्टर करता था, जब ना टेक्नीशियन होते थे। पर उसमें एक चीज आप समझिए कि उसमें फिर एक दिन में 1200-1500 ग्राफ्टिंग कर पाएगा, जो 3000-4000 की सर्जरी है वो भी 3 दिन में चली जाएगी, ऊपर से उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और अब जो हम सर्जरी करते हैं, बेसिकली सर्जरी के कुछ क्रूशियल पार्ट होते हैं। स्लिटिंग देखो वैसे तो पूरी सर्जरी ही क्रूशियल है, लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बोलते हैं, कि भाई स्लिटिंग एंड डिजाइनिंग जो सबसे मेन पार्ट है कि क्या डेंसिटी देनी है, किस डेप्थ तक जाना है, क्या एंगल लगाना है, वो हमारे पूरी तरह डॉक्टर ही करते हैं। एक्सट्रैक्शन डॉक्टर मिक्स करके करते हैं, जो भी डॉक्टर होता है फिर जिसकी सर्जरी वो दूसरा कर रहा है उससे दूसरा वो एक्सट्रैक्शन करता रहता है। इम्प्लांटेशन टेक्नीशियन करते हैं हमारी सुपरविजन में, ये हमारा मेनली इसमें रहता है। बाकी सीधे सीधे शब्दों में मैं समझाऊं, जो मुझे लगा था कि सर देखो 9 घंटे की सर्जरी है, एक आदमी बैठ के नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली नहीं कर प्रैक्टिकल सकता। नहीं है वो तो करने अगर भी जाएगा तो कुछ ना कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। तभी सर ने बोला अगर आप दिन के सपोज 3000 ग्राफ्ट लगते हैं, आप 1000 ग्राफ्ट लगवा लो, फिर 3 दिन की सर्जरी करवा लो, उतने एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगा लो, उतना टाइम भी बढ़ा लो, उतना कॉस्टिंग भी बढ़ा लो, वो फिर हम कर देंगे, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं। बट इश्यू सबसे बड़ा ये है कि देखो भैया एक बंदा दो भाई वो जब कर रहे होते हैं ना, तो आप उसी चीज को सबसे मेन आगे देखो, जिस तरीके से उन्होंने वो जो एकदम क्लोज वाला पहना होता है, पहली बात तो पहन के इतनी देर देखना ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। मैंने ट्राई करके देखा था, तो 2-3 घंटे बैठ के वो जो स्लिटिंग करके छेद निकालना, फिर उसके बाद ग्राफ्टिंग पूरी निकाल के बाहर करना, करने को तो एक टाइम के बाद परफेक्ट हो जाते हैं, पर टाइम कंज्यूम नहीं, पर सर 8-9 घंटे नहीं बैठ सकता ना कोई, करेंगे तो आदमी उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा और आधा नुकसान तो डॉक्टर भी कर देगा, तो थक जाएगा बेचारा डॉक्टर ही बैठे बैठे थक जाएगा। इसीलिए सब कुछ सेग्रीगेट करके डिवाइड करके करा जाता है और तरीके से ही होता है। भाई तुम्हारे भाई का भी रिजल्ट आया, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं आया, तुम्हारे सामने और मेरी जो हमारी जो ग्राफ्टिंग थी वो टेक्नीशियंस ने ही करी थी, और टेक्नीशियंस कोई अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यही रीजन है कि सारी की सारी चीजें जिसमें मेन सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है कि भाई क्या डेंसिटी देनी है, क्या एंगल देना है, स्लिटिंग वाला पार्ट भी हम उनसे करवाएंगे तो फिर डॉक्टर के एक्सपीरियंस का फायदा क्या हुआ। सही बात है, मेन पार्ट जो है वो तो डॉक्टर को करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर रिजल्ट्स फिर फायदा क्या कि मैं इतनी सर्जरी कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काम कहाँ पे आया जब मैं वो भी नहीं कर रहा, तो वो भी टेक्नीशियन ही कर देंगे तो फिर क्या फायदा, फिर तो डॉक्टर का रोल ही नहीं है। अरे एक क्वेश्चन और आया मेरे दिमाग में, आपने ये चीज स्लिटिंग और एंगल की बात करी, लोग ये पूछते हैं भैया आपके बाल इतने वो क्यों है, वेवी वेवी कहते हैं। हमने ज्यादातर जिनके भी ट्रांसप्लांटेड हेयर देखे हैं वो वेवी क्यों होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या रीजन? कई बार आप किसी भी चीज को लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम डोनर एरिया जब दूसरा यूज करते हैं वहां से इसे हम ट्रांसफर करते हैं तो एडेप्ट होना पड़ता है बालों को भी। ओके ठीक है, कि ज्यादातर के अडेप्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ के इतने अच्छे से अडेप्ट नहीं हो पाते तो वो थोड़ा सा वेवी हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम में कुछ सालों बाद वो धीरे धीरे वापस अडेप्ट हो जाते हैं। फिर जैसे हम बियर्ड के बाल यहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे जहाँ पे भी, उनका थोड़ा टेक्सचर डिफरेंस क्वालिटी डिफरेंस रहेगा ही, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि वो सामने ना लगाएं। ओके इसलिए हम इस जगह करते हैं जहाँ पे वो कवर मिडल में या पीछे की तरफ वो भी मिक्स हो, क्योंकि कुछ उनमें से सीधे हो कुछ वो हो, तो कम से कम उसको कवर अप कर ले। ओके तो ये एडेप्टेशन की बात है, किसकी बॉडी किस हिसाब से अडेप्ट करती है, सबके सबके ऐसे नहीं होते, बहुत लोगों के बिल्कुल वैसे ही वाले बिल्कुल सीधे हैं तो वैसे ही आते, लेकिन कुछ लोगों के अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये डिफरेंस है। भाई ये सबसे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में था, और ये आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में एक आता है मेडिकेशन के ऊपर। अब मैं जो बताता हूँ अपनी वीडियोस में कि मैं भैया ये मेडिकेशन ले रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि भाई हम तो ट्रांसप्लांट वाले से पूछ कर आए डॉक्टर से किसी से, तो वो कहता है जी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मैंने उनको प्रॉपरली समझाया कि बेसिकली मेडिकेशन हमारे जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनको बचाने के लिए बेसिक दी जाती है, कि आपने अगर यहाँ से यहाँ का ट्रांसप्लांट करा पीछे के बाल बच गए तो वो भी तो उधर टाइम पीरियड चले जाएंगे। बहुत से लोग अभी भी बोलते हैं, आज से 3-4 साल पहले 5 साल पहले बहुत से डॉक्टर नहीं देते थे, कुछ लोग चेंज हुए, पर हमने बहुत बार देखा है कि लोगों ने ट्रांसप्लांट करवाया 2-3 साल के बाद नेचुरल बाल पीछे चले गए, तो हर 2 साल में आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा। एक्चुअल में वही तो मेन फंदा ये है जो मैंने समझाया था, मैंने कोई सर की सर ने ये चीज मेरे को काफी अच्छी तरीके से समझाई थी कि जो हमारे नेचुरल बाल है अगर वो बीच में चले गए तो आपको क्या लगेगा यार हमने तो ट्रांसप्लांट कराया वो गलती से फेल हो गया शायद। और दूसरा रीजन क्या है कि जो हमारा ये रिजल्ट होता है आपका भी जो रिजल्ट है
जरूरी नहीं है सिर्फ ट्रांसप्लांटेड बालों का रिजल्ट है, हो सकता है कि हमने जो मेडिसिन ली है उसकी वजह से बीच में नेचुरल बाल भी ग्रो किए, हमने तो मान लो 3000 जो थिकनेस कम थी हाँ, वो बेटर होगी और मान लो हम मेडिसिन बंद करते हैं, बाल एक भी ना जाए, उतने ही बाल है, उनकी थिकनेस कम होगी और 30% डेंसिटी ऐसे ही कम हो जाएगी हाँ। फिर नेचुरल बाल बीच में और चले गए तो हमने देखा कि जो रिजल्ट था उसका 60% ही रह गया, तो वो कैसे उतना अच्छा लगेगा। फिर इस वजह से लोगों को लगता है कि भैया ट्रांसप्लांट हमारा फेल हो गया। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि वो मेडिसिन ना ले तो भी चल जाए, लेकिन ये डिफाइन करना कि वो कौन है कैसे पता लग गया, तो वो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप उनको मेडिसिन दो, ऑल्दो एक टाइम के बाद वो इतनी कम डोज में हो जाएंगी आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन उनसे आपकी नेक्स्ट सर्जरी करने की जो नौबत है वो बहुत कम हो जाएगी। ओके, तो लोग इतना रिस्क लेना चाहते हैं, हो सकता है उनसे कुछ को कभी जरूरत ना पड़े तो ले अपना, लेकिन मैं आईडी डॉक्टर यही चाहूंगा कि मेरा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आए और अच्छा बना रहे, कम से कम 10-15 साल तो अच्छा बना तो रहे। सर आपके हिसाब से मतलब कितने टाइम के बाद हमें जाके कम करना चाहिए, मतलब मिनोक्सिडिल हो गया या हो गया? 9 महीने के बाद मिनोक्सिडिल की डोज भी हम काफी कम कर देते हैं, 6 से 9 महीने के बाद आइडली हम फिनेस्टाइड की डोज भी काफी कम कर सकते हैं। ओके, फिर बहुत से डॉक्टर रोटेशनल थेरेपी की कभी मिनोक्सिडिल कभी फिनेस्टाइड या कभी कोई तीसरी चीज भी करते हैं, प्रोकैपेलिया रिडेंसल डाल देते हैं आजकल, क्लिनिकल एक्सपीरियंस उनका रहता है कि उस हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कभी पीआरपी पे करना है कभी फिनेस्टाइड चलाना, तो वो डिसीजन पेशेंट टू पेशेंट लेने पड़ते हैं, वही तो हमें भी नहीं पता कि किसमें कितनी जरूरत पड़ेगी, तो किसी किसी में हमें ज्यादा नीड पड़ती है, बहुत से लोगों में हम सब कुछ करते हुए भी हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ही फिनैक्स लेना चाहिए, जैसे मेरी बारी में मैंने फिनैक्स ऑलमोस्ट 7वें-8वें महीने के बाद लेना शुरू करा था, मेरे को स्टार्टिंग में नहीं लगा कि मेरे को जरूरत नहीं है, फिर जब मेरे को लगा कि हाँ आइडली तो ले लेना चाहिए, एक्सेप्ट आप बड़ी यंग एज में आपका ग्रेड बहुत कम था, जैसे ग्रेड 2, 3, 4 में शायद ना भी लें इनिशियल लेवल पे। ओके, लेकिन जिनके ग्रेड 5, 6 या 7 की तरफ है तो उन्हें आइडली स्टार्ट से ही लेना चाहिए। ओके, ठीक है, और जिनकी ग्रेड 2 या 3 है उनमें इतनी नीड नहीं होती, हम अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ मिनोक्सिडिल से हम काम चला सकते हैं, हो सकता है नीड हो तो 3-4 साल बाद या कुछ महीनों के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर चालू करना भी हो तो उसको हम हफ्ते में 2 बारी हाँ, 3 बारी लो डोज में स्टार्ट कर सकते हैं हाँ। फिर फिनेस्टाइड का इफेक्ट एकदम जीरो नहीं होता है, जैसे कि कई बार हम तो हम उसको बार बार कुछ महीने चलाते हैं कुछ महीने फिर ऑफ कर देते हैं, वो डॉक्टर के डिसीजन होते हैं, वो इतनी इजीली हम समझा नहीं सकते आपको कि आपको वही करना है, वो अपनी अपनी सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करा जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, इतना इजी नहीं है कि मैं एक फिक्स रेजिमेन आपको बना। और एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अपनी तरफ से कोई भी दवाइयां कोई भी शुरू मत करना, जो जो हम नाम पे नाम ले रहे हैं, सोचो कि भाई हम सारे डॉक्टर बन गए तो हम नाम ले ले, डॉक्टर के पास आओ, कंसल्ट करो, अपनी सिचुएशन दिखाओ, जिसके हिसाब से डॉक्टर आपकी सिचुएशन देख के ही आपको चाहे फिनैक्स है चाहे मिनोक्सिडिल है वो अपने हिसाब से जो सजेशन है वो करेंगे, क्योंकि मिनोक्सिडिल में भी हमारी काफी सारी वेरिएशन आ जाती है, 2% है, 5% है, 7% है, 10% है, 12% है, तो कहीं आप जाओ और सीधा 12% से शुरू कर दो, ऐसा नहीं है, डॉक्टर को जाओ, एक बारी की फीस लगती है, ठीक है, दिल को दुख होता है, कोई दिक्कत नहीं, देखो उनका काम है, बट आपको अपनी बॉडी से नहीं खेलना, इस चीज का दिमाग में रखो। चीजें बड़ी सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10% मिनोक्सिडिल हमेशा 5% से ज्यादा इफेक्टिव होगा, कई बार उसके साइड इफेक्ट डैंड्रफ की वजह से ना वो उल्टा हेयर लॉस को बढ़ा सकता है, उसकी वजह से आपको पैचिनेस और वो सब बहुत हो जाता है, चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके डिसीजन अपनी जो कंडीशन है उसको दिखा के ही लें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा एक और आ जाता है, काफी लोगों को ये होता है कि भैया इसमें चांसेस कितने हैं कि रिजल्ट हमारा जो है वो अच्छा आएगा नहीं आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि हम पैसे तो दे दें क्या हमें 100% रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या? देखो 100% कभी भी नहीं हो सकता, ये चीज आप समझिए, आपका डोनर एरिया बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो भी हम 100% की श्योरिटी नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि जो भी अच्छे क्लिनिक है उनके ज्यादातर लोगों के 95% लोगों के रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ 100 2 या 3 लोग ऐसे भी होते हैं जिनके रिजल्ट थोड़ा कम भी हो जाते हैं। ओके, लेकिन अच्छे क्लिनिक क्या करते हैं कि उनको ठीक कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है। सर रीजन क्या होता है उसका कि देखो सबसे बड़ी चीज है कि डोनर एरिया डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि जहां हम इम्प्लांट कर रहे हैं जिस एरिया में वो कितना अडेप्ट कर सकता है, आपके जो बाल डोनर एरिया के उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक तो डॉक्टर ने इम्प्लांट कैसे किया वो तो डेफिनेटली एक फर्क है, लेकिन अच्छे सेंटर सब डॉक्टर अच्छे से इम्प्लांट करते हैं तो वो वाला इश्यू नहीं आता कि कैसे स्लिटिंग बनाई और कैसे, ये फिर इश्यू आते हैं कि आपकी बॉडी किस तरह से अडेप्ट करती है उन बालों को, आपने नई जगह पे उनको लगाया है, फाइनल रिजल्ट जब ही आएगा कि जब 100 ग्राफ्ट हम लगाते हैं वो 100 के 100 या 95 या 90 से ऊपर तो कम से कम उनमें से ग्रो कर जाए इजिली, वो ग्रो नहीं करते या कई बार ग्रो करते हैं तो थिन ग्रो करते हैं, तो रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, तो ये चीजें जब भी तो हम 100% नहीं बोलते कि हमें कुछ चीजें तो पता लग गई कि आपका ग्राफ्ट अच्छे हैं, आपकी आपने डाइट रेगुलर ले रहे हैं, आप मेडिसिन भी टाइम पे ले रहे हैं, लेकिन बॉडी किस तरह से एडप्ट करेगी वो एक टाइम के बाद ही हमें पता लगता है। ओके, तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका थोड़ा बहुत रिजल्ट वेरी कर जाता है और ये नॉर्मल है, हम कितने ही परफेक्ट हो जाए लेकिन ये चीज हम कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे, तो मतलब ये चीज होगी कि अगर आपका डोनर भी अच्छा है और कुछ है तो मतलब आप लेके चलो कि 3 से 5% की प्रोबेबिलिटी में आप आ सकते हो
कि आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये चीज का अच्छे क्लिनिक में 3-5% और वही जब तो सर उसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारा रिजल्ट कम आ रहा है तो हम उसको बेटर कर सकते हैं। जैसे कि हमने 100 ग्राफ लगाए, आप सिंपल सा सोच सकते हैं कि हमने 100 पौधे लगाए, ज्यादातर हम चाहेंगे कि 90-95 ग्रो करें। यदि वो कम ग्रो करते हैं तो हम वही देखते हैं कि मेडिसिन की डोज से देखते हैं कि यदि वो ठीक हो जाता है कि ठीक वापस ग्रो कर जाते हैं, नहीं तो उस एरिया में हमें रीग्राफ्टिंग करानी पड़ सकती है। ओके, तो ये हम सेंटर क्या करते हैं कि वही हमारे किसी भी पेशेंट का है तो हम उससे अलग चार्ज नहीं करते और उसकी रीग्राफ्टिंग उस एरिया में कम से कम जहाँ है, क्योंकि हमें पूरी नहीं करनी, इतना तो हमें पता है कि इतने वर्ष हम कभी भी नहीं होंगे कि हमें बिल्कुल ही सर्जरी वैसे। बट सर अगर हमारे बॉडी ने पहले ही अडेप्ट नहीं करा, सपोज दोबारा भी अडेप्ट कम करेंगे, लेकिन आप देखें ना 100 में से मान लो वो 80 ग्रो किए, ओके ठीक है, तो हमें पता है कि दोबारा जो 20 है हम लगाएंगे 20 की जगह भी तो 36 लगाएंगे। ओके, तो हम इसीलिए फालतू लगा देंगे तो वो ताकि 36 में एरिया कवर हो जाए। ऑब्वियसली थोड़ा डोनर ज्यादा यूज होगा उनका, लेकिन कम से कम जो एरिया हमने किया वो तो अच्छे से रहे, बाद में जरूरत होगी तो डोनर एरिया हम अलग से यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हम करते हैं, कुछ पेशेंट में हमें करना पड़ता है, हम कितने ही परफेक्शन से कर दें, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ पेशेंट रहेंगे कि जिन्हें हमें थोड़ा सा बेटर करना ही पड़ जाता है, और ये 2 out of 100 होते ही हैं। ओके, सो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो भाई डॉक्टर यहाँ से पूरा सपोर्ट भी दे रहे हैं कि आपका सपोज नहीं आ रहा, आप उन 2-4% की प्रोबेबिलिटी में आ जाते हो, देन वो कह रहे हैं हम दोबारा भी अगर हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, ग्राफ डालने पड़ते हैं तो हम डाल देते हैं, चार्जेस हम उसके एक्स्ट्रा नहीं लेते, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली बात है बंदा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है उसके अंदर, तो उस चीज को हम पूरा कर देते हैं। बस ये हमें चाहिए, पर ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी कि आप उन 2-5% के बीच में आ सकते हो जिनका रिजल्ट शायद थोड़ा सा कम आए। ओके सर, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा एक आता है कि काफी लोग ये बोलते हैं कि भैया हमारा जैसे ग्रेड 5 ग्रेड 6 है, अब डोनर एरिया वीक है, पर काफी सारे ट्रांसप्लांट वाले बंदे उनको पैसे के पीछे हाँ कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता, बट आपके हिसाब से मतलब किन लोगों को ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, अगर उनका डोनर एरिया वीक है तो कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? वीक है तो आइडली कम कोशिश करनी चाहिए कि देखो डॉक्टर को आइडली पता लग जाता है कि कैसा रिजल्ट आएगा, कितना कवर कर पाएगा। जैसे डोनर वीक है और डॉक्टर कहेगा कि भाई मैं 3-4 हज़ार ग्राफ्टी निकाल पाऊंगा, बाकी बीएड या कहीं और से करना पड़ेगा, यदि वो उसमें सेटिस्फाई है कि भाई इतना ही एरिया हो जाए तो आप करवाएं। यदि आपको चाहिए कई बार डोनर वीक है और आप चाहते हैं पूरा भी हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से आपके आप मैं मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि 5वीं 6ठी ग्रेड में अगर आप पहुंच गए तो मेरे हिसाब से कम वीक डोनर वाले को तो नहीं कराना चाहिए। हाँ, वीक डोनर अब होता भी यही है, जिसका ग्रेड 5 या ग्रेड 6 होता है डोनर भी उसी का वीक मिलेगा। हाँ। ग्रेड 2 और 3 वालों को कहाँ दिक्कत होगी, कम ग्राफ्ट निकालने हैं तो ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6 वालों को पहले डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि भाई कितना वो कर पाएंगे या कितनी स्टेजेस में वो कर पाएंगे। कई बार आपके बॉडी हेयर अच्छे होते हैं, जैसे बियर्ड अच्छी है, चेस्ट पे अच्छे हेयर हैं, तो उनमें एक चांसेस हैं, हम कर सकते हैं, और फिर वो क्या चाहते हैं ये एग्जैक्टली उन्हें डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि वो करवा भी लें और बीच में फंस जाए, ना रिजल्ट आया और वो पैसे भी उनके तो चले, आगे के भी ऊपर के भी गए, जहाँ लगाए जहाँ से निकाल रहे हैं वहाँ से भी चले गए, तो भाई ये दिक्कत है। तो प्लीज़ इसीलिए एक बारी जा रहे हो कंफर्म करके, हर चीज़ करके, पूरा क्लियर करके, जो भी मन में डाउट्स हो वो क्लियर करके ही अपना जो ट्रांसप्लांट का स्टेप है उसको लें। सो आई होप आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो जो आप बताना चाहते हो। प्राइस वाला था, एक दो चीज़ें और भी हैं कि कई बार डॉक्टर एक्सपीरियंस कितना है उसके बेसिस पे प्राइस बढ़ जाते हैं, उसकी डिग्री क्या है। बहुत बार आप देखेंगे आजकल बहुत लोग करे जा रहे हैं ट्रांसप्लांट, कि भाई जो सर्जन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है, उनके प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेंगे, और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अब जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में सीखने के वो कम प्राइस में भी कर देते हैं। जो MBBS डॉक्टर हैं आइडली उनके प्राइस तो ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आइडली वो वैलिड ही नहीं है उस सर्जरी को करने के लिए। बट फिर भी अगर वो कर रहे हैं तो वो प्राइस अपना कम रखेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कोई शिकायत ना कर दे, ऐसा कुछ ना हो जाए, तो वो कम प्राइस में करेंगे तो लोग ज़्यादा कुछ ना कहें, तो यहाँ से वेरिएशन आती है। टेक्नीशियन अकेला ही सारा सर्जरी कर रहे हैं तो उनके प्राइस और भी कम हो जाते हैं। तो ये सब वेरिएशन भी आती है प्राइस में। अब किसी के इतने ज़्यादा कॉस्टली ग्राफ्ट हैं कि कोई कितना एक्सपीरियंस है, क्लिनिक किस तरह से बना हुआ है, क्या फैसिलिटीज वो दे रहे हैं, इस बेसिस पे भी प्राइसिंग। बस सिंपल सजेशन में दूं तो एक आप मारुति की गाड़ी देख लो, एक ऑल्टो, एक वो देख लो, ऑडी की गाड़ी देख लो, तो भाई दोनों में डिफरेंस है, दोनों की ब्रांड वैल्यू की वजह से एक्चुअल में जो प्राइस डिफरेंस आता है वो होता है। तो वही ऐसे ही सारी की सारी जो आप जिस क्लिनिक में करा रहे हो तो वहां पे इक्विपमेंट्स कैसे हैं, कितना क्लीनिनेस है, देन उसके बाद डॉक्टर की बात आ जाती है, डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है, कितनी ज्यादा सर्जरीज वो कर चुके हैं, कितना अच्छा रिजल्ट वो दे रहे हैं, कितना एक्चुअल में उनका नाम है, वो सारी चीजों के ऊपर जो है साथ में हमारी कॉस्टिंग का भी जो फर्क है वो आ जाता है। क्योंकि ट्रांसप्लांट आपका 7-8 रुपए में भी हो जाता है,
पर वही बात है कि फिर रिजल्ट भगवान भरोसे है भाई, उसको फिर लेके चलना। और दूसरा, आजकल गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस आई हैं, जो भी अच्छे क्लिनिक है उनको रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्राइस में ऐड हो जाती हैं। ओके। और जो नॉर्मल कई क्लिनिक बिल्कुल नहीं फॉलो करते, उन्हें डर ही नहीं है कि कोई उनको कहेगा कल को बंद करके नया नाम चेंज करके दूसरा क्लिनिक बना लेंगे, लेकिन जो अपना ब्रांड बनाया है वो कोशिश करते हैं कि एक अच्छे रिजल्ट दें। बाकी हेयर फ्री हेयर ग्रो अगर आप आते हो तो आपको कितनी जगह हो गया सर अभी ऑल ओवर इंडिया टोटल? अब वही है 12-13 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। भाई 13 ब्रांचेस हो गई हैं। आप कहीं पे जहाँ पे आपके आसपास हो, आपको अगर बालों की दिक्कत है और आप ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहते हो, गुरुग्राम में आसपास में कहीं पे हो तो भाई सीधा सीधा सांगवान सर के पास आ जाना, बेस्ट है आंख बंद करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, अलग अलग जितनी भी एरिया है वहाँ पे आप जो भी क्लोजेस्ट पड़ता हो किसी के पास भी जाओ, सारे सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, हर जगह पे रोज 2-3 सर्जरीज हो रही हैं, तो एक्सपीरियंस का कोई आपको झोल जो है वो नहीं मिलने वाला। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो गए। और बाकी सर कुछ अगर बोलना चाहते हैं अपनी तरफ से? बस बाकी आप अपना डिसीजन, कभी ट्रांसप्लांट का डिसीजन ना डॉक्टर का नहीं होता है, पेशेंट का होता है। वो आराम से अपनी रिसर्च करे, डॉक्टर्स के बारे में सर्च करे, सेफ्टी देखो, इसमें सेफ्टी बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो वो सब देखे और अपना डिसीजन खुद ले। कोई भी चीज़ें आजकल मार्केटिंग है, बहुत चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं, बस आप अपनी सेफ्टी और अपनी चीज़ें खुद समझिए, खुद अपना डिसीजन लीजिए। और रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स की डिग्री है कि नहीं है, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ भी, कोई भी आजकल वेबसाइट पे कुछ भी लिख सकता है, तो आपका ये काम बनता है कि आपकी मेहनत बढ़ जाती है कि क्या करना है। मतलब पहले पूरा स्टडी करो, उसके बाद स्टेप जो है उसको उठाओ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। बाकी नीचे नंबर आ रहा है, अगर आप लोग भी कंसल्ट करना चाहते हैं बाल रिलेटेड, चाहे बाल जा रहे हैं या ट्रांसप्लांट रिलेटेड, तो आप जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके हेयर ग्रो से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।